बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल स्केचअप में हम काम कैसे करेंगे। ऑटोकैड की फ़ाइल को इंपोर्ट करके हम उस पर रेंडरिंग या उसको कम्प्लीटली कैसे रेंडर हम उसको करके तैयार करेंगे, ठीक है जी। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये गूगल स्केचअप मैंने ओपन कर लिया है, ये 2013 वर्जन है। फाइल में गए इंपोर्ट, इंपोर्ट करते हैं। 3D Max में भी आप जाएंगे तो कैड की फाइल को इंपोर्ट करेंगे आप, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपना कोई पाथ जो हमारे पास, जहां हमने कोई फाइल सेव की हुई है उसको करते हैं, ठीक है। ओपन, ये मैंने एक फ़ाइल 3D के नाम से है, इसको बल्कि इसको ओपन करते हैं। मैंने फ़ाइल ओपन की है, ये ऑटो कैड की फ़ाइल ये आपके सामने इम्पोर्ट होकर आ गई है। न्यू करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक नई फ़ाइल दोबारा से ओपन होगी। हम फाइल में गए इंपोर्ट 3D ओपन, इसमें एरर है, ओपन करते हैं। हम उसी पे चलते हैं जो हमारी पहले हमने ओपन की थी, ठीक है। इसी फाइल को ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें 3D के साथ प्लान भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। ये आपके पास प्लान है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ग्रुप की शक्ल में होगा। ये देखें, सारी जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट है वो सारा इस वक्त ग्रुप है। हम इसको ग्रुप रहने देंगे। इसके बाद हमने अगर किसी प्लान के ऊपर को काम करना है फर्दर, सबसे पहले हम जाएंगे विंडो में। विंडो में जाके यहाँ है लेयर, लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। जो लेयर हमारी ऑटोकैड में यूज़ हुई हुई है वो लेयर इसमें इम्पोर्ट होगी, ठीक है। अगर आपने कोई अपने से बनानी है लेयर, उसको आप प्लस ऐड लेयर करेंगे, इस प्लस के निशान को क्लिक करेंगे तो आपकी एक लेयर ऐड हो जाएगी यहाँ, ठीक है जी। इसको क्लिक किया, माइनस कर दिया, ये अब इसमें ये माइनस हो जाएगी जब हम इसको दोबारा ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैं 3D वॉल को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरी इस वक्त करंट, इस वक्त जो हमारी कहने के लेयर है। अब मैं पेंसिल वर्क करूँगा इस पर, ये पेंसिल यानी कि लाइन वर्क है। लाइन वर्क एल, हम कैड में ऑटोकैड में करते हैं एल एंटर, जबकि आपने इसकी जितनी भी काफ़ी ऑटोकैड जैसी इसकी सारी तकरीबन लेयर्स हैं, ठीक है। हम एल एंटर करने के बजाय एल खाली प्रेस करेंगे तो ये हमारी कह लें कि लेयर बन, यानी कि लाइन वर्क हम उसके कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ के इसका रेफरेंस लेता हूँ, ये रेफरेंस लिया मैंने। इसी तरह आप इस पर लाइन वर्क कर लें इसके साथ साथ, ठीक है जी। ये लाइन वर्क कर लें। अच्छा, ये है ग्रुप, इसलिए आपको इस तरह यानी कि एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें ये है कि आपकी लेयर जो है ना वो अलग अलग बनेगी, ठीक है। जब आप इसको एक्सप्लोर कर दोगे तो ये अपना जो है लेयर, ये मैंने एक लाइन क्लिक की, ये इसको रेक्टेंगल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आर खाली आपने करना है, एंटर उसके साथ नहीं करना है, ठीक है। एल के साथ आपने लाइन वर्क शुरू करने, लाइन वर्क ये हम लाइन वर्क कर रहे हैं। जब आपकी लाइन वर्क कंप्लीट हो जाएगी तो आपने इसको ये देखें, अब ये कुछ एरिया मैंने लाइन वर्क कर लिया है। पी पुल पुश की कमांड है, ये पुश पुल की, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इसको सेलेक्ट किया है लेयर को, टूल्स को। अब मैं इसको मैंने पुल किया है और इस तरह आपने इसको सेलेक्ट करना है और पुल करना है, ठीक है। हम दूसरी फाइल कोई इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। न्यू फाइल हमने सेलेक्ट की और इसमें इंपोर्ट करते हैं जी। डियर स्टूडेंट, मैं इसको मैंने एक दूसरा प्लान इंपोर्ट किया, इसमें एच पैन की इसमें शॉर्ट की है। एच को प्रेस करने से ये हाथ का जो शेप है ये
बाहर आ जाएगी। अब मैं इसमें लाइन, ये 3D वॉल को सिलेक्ट किया हुआ लाइन वर्क मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको लाइन वर्क शुरू किया है और ये आपके सामने मैं लाइन लगा के इसको, अभी मैंने लाइन ली है और ये इसको शॉर्ट, ये मैं इसको इन केस छोट छोट, ये देखें मैंने इसको सॉलिड कर लिया है। अब लाइन वर्क करने के बाद मैं इसको पुल पुश की कमांड से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। इसमें अब इस तरह के ये मैंने इसको लाइन वर्क किया है, पुल पी एंटर करके आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। अब पी ये खाली प्रेस करके, अब मैं इसको डिस्टेंस देता हूँ 120, ये 10 फीट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने लाइन वर्क करनी है यहाँ से, लाइन वर्क आप यहाँ, इसको मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये देखें रेक्टेंगल की ऑप्शन मैंने ली, यहाँ आके इसको बंद कर दिया। इसी तरह यहाँ से मैंने रेक्टेंगल की ऑप्शन ली, यहाँ से रेक्टेंगल की ऑप्शन ली, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल की ऑप्शन ली। ये अब मेरे पास इस वक्त ये सॉलिड हो गई हैं। अब मैं इसको रेफरेंस, इस रेफरेंस तक लेके आऊँगा। ये ऐसे हम इसको सेलेक्ट करके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि इसका रेफरेंस ऊपर वाले टॉप एज का मैं ले रहा हूँ। ये अब आपका ये अच्छा, ये वाइट जो है नीचे से सॉलिड होगा, जो इस तरह का आपको ब्लू कलर में नज़र आएगा तो इसकी लाइन मिस होगी, ये उठाएगा नहीं। इसके लिए आपने क्या करना है, लाइन की कमांड को लेना है, आपने यहाँ से सिर्फ एक लाइन लगानी है। ये देख ले सारा सॉलिड हो गया इसमें, अब आपके सामने ये सॉलिड वर्क है। अब इसको आप चाह रहे हैं कि यहाँ हम लाइन के साथ इसका लिंटर लेवल बनाएं, और ये इसमें अब ये सॉलिड है लेकिन ये अब हम जब मटेरियल लगाएंगे तो ये वाइट, कोई मटेरियल से अप्लाई करेंगे तो ये कलर वही हो जाएगा। अब ये सॉलिड है, हम इसको अब पुल की कमांड से नीचे की तरफ लेके आते हैं 36, ये ठीक है जी, लिंटर लेवल हो गया हमारा ये। इसके बाद इसी तरह यहाँ से भी आप इसको लाइन वर्क ले लें, ये मैंने लाइन वर्क लिया और ये हमने इसको पी, इसको अब मैं उठा के 120 की, सॉरी 120 की वैल्यू देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल की कमांड ली मैंने, यहाँ से इस तरफ आ गया हम, नीचे से इसको पुल पुश की कमांड दी। अब ये देखिए ये ब्लू आया, इसका मतलब ऊपर से ये ओपन है, हम एक लाइन सिंपल इस एज से इस एज तक लेंगे, ये सारी अब वही हो गई है, ठीक है। इसी तरह आप मॉडल इसके मुकम्मल आप घर की मॉडलिंग कर सकते हैं। यहाँ से लाइन वर्क ली मैंने, ये मैं बताता हूँ एक, अब मैं इसको ये कर दिया, इसको रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया हमने, ये भी इसके साथ ओपन हो गया। अब मैं इसको ये इस लाइन को मैं ई करके इसको अरेज कर दूंगा, ये इससे फिर भी ज्वाइंट होगा, ये देखें ज्वाइंट हो गया। यहाँ से भी हम इसको ट्रिम कर देंगे अरेज से, पुल पुश की कमांड ली और 120 हमने इसको वैल्यू दी है, ठीक है। अच्छा ये जब आप मिसिंग बास का ये मिसिंग लाइंस नीचे से हो जाती हैं जो इसे पिक नहीं करता इसके ग्राफिक, ठीक है, इसमें को आपको को ये मसला नहीं है, आप सिंगल लाइन लगाएंगे ये कवर हो जाएगा, ठीक है, सिंगल लाइन कवर हो जाएगा। ये था मॉडलिंग के कुछ असूल। अब मैं आपको स्टेयर का भी बताऊंगा इससे अगले स्टेप में, स्टेयर कैसे बनाएंगे। इसमें अब यूनिट आपने सेट करने हैं और वो मैं आपको बताता हूँ विंडो में आके। जी आपने इसको यूनिट सेट करने हैं, यूनिट सेट आप कहाँ से करेंगे, विंडो में आके ये मॉडल इन्फो में आएंगे, यहाँ देखें आप यूनिट्स आ रहे हैं, ये आप हमारे ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर यूनिट्स हैं, हमने इसको आर्किटेक्चर यूनिट्स में सेट किया हुआ है, ठीक है। और
अगर हाँ जी अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ आप डेसिमल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये ऑटोकैड जैसे प्रोसीजर है इसका, ठीक है। यूनिट्स में जाके इस तरह की आप सेटिंग ऑटोकैड में भी करते हैं और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी। बाकी हम इसको मॉडलिंग एलिवेशन देखें, ये एलिवेशन तैयार है इसका, प्लान इसका तैयार है, मैंने इसको 3D ऑटोकैड में बना के लेके आया हूँ। और ये हमारा अब इसमें हमने ये मैंने लेट्स से कि ये कैमरा मैंने ये व्यू चाहिए मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, व्यू में आके एनिमेशन ऐड सीन, अब ये देखें एक सीन ऐड हो गया, कैमरा हमारा लग गया। मैं कहीं भी जाके कोई भी काम कर सकता हूँ, जैसे मैं सीन वन को क्लिक करूँगा ये अपनी उसी पोजिशन पर आके स्टिल कैमरा स्टिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा व्यू ये सेट हो गया। अब मैं इसमें कोई फर्दर चेंजिंग करना चाहता हूँ, ये ब्लॉक की शक्ल में आएगी, ऑटोकैड में जो लेयर्स आएंगी वो ब्लॉक की शेप में आएंगी। अब ये इतना पार्ट जो है वो अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये यानी कि पार्ट अलग है, ये पार्ट्स ये देखें ना, ये ऊपर वाला एरिया, ये नीचे वाली, ये आप देख रहे हैं कि सारी ये कंबाइन और ग्रुप में इस वक्त ये बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं फर्दर इसमें कोई चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें, ये अब सिर्फ ये फेसेस सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप बाहर आके क्लिक करेंगे ये फिर ग्रुप में आ जाएगा सारा, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया। अब मैं फर्दर इसमें कोई मटेरियल वगैरह ऐड करना चाह रहा हूँ, मटेरियल में आए, मटेरियल की शॉर्ट की है लाइब्रेरी की B, वैसे आप विंडो में आएँ और यहाँ आप मटेरियल को क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी इसकी ओपन हो जाएगी। ये हमारा वुड है, इसमें वाटर है, ये टाइल वगैरह स्टोन हर चीज़ इसमें है। अब मैं कलर इसको सिलेक्ट करता हूँ, कोई यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया और मैं इसको कलर लगा देता हूँ यहाँ ब्लैक, मैंने ये कलर लगा दिया, ये ब्लैक कलर लगा दिया। अब मैं अपने सीन वन पे क्लिक करता हूँ और ये देखें आपके सामने की सीन क्रिएट हो गया हमारा, कैमरे के व्यू में हम आ गए हैं। अब हम इसको रेंडर करते हैं, ठीक है। आर ये रेंडर वीरे रेंडर की ऑप्शन है, ये आपके सामने ये रेंडर हो रहा है जी। अब ये देखिए कि हमारे शेडोज़ ये डिटेल क्लियर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने मटेरियल चेंज करते हैं, ठीक है। बाहर आके मैंने क्लिक किया और मैंने इस मटेरियल को इस पर अप्लाई कर दिया है, ये देखें अप्लाई हो गया। ये मैंने डबल क्लिक करके ग्रुप को अनग्रुप करके फिर अप्लाई किया था, सो इसने इसके ऊपर मटेरियल ये वाला अप्लाई नहीं हुआ हमारा, ठीक है। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ दोबारा और हम देखते हैं कि इसमें मैं ऑप्शन ये GI इनडायरेक्ट एनिमिनेशन GI, इसमें हम यहाँ एम्बेडमेंट को हम अनचेक करेंगे, इस तरह होगी जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। हाँ जी विंडो में वीरे की विंडो में आपने ऑप्शन में आके इनडायरेक्ट एनिमिनेशन GI में आके ये ओपन करना है। मैं पहले इसको वैसे आपको नॉर्मली रेंडर करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसमें मटीरियल लगाया लेकिन कुछ एजेस के क्लियर हुए हैं जी, ये देखें आपके सामने मैं ने इसको रेंडर किया है मटेरियल लगा के, लेकिन अभी एजेस क्लियर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में आएंगे, GI में आके अमेंडमेंट को हम क्लिक करेंगे, ये है अमाउंट, यहाँ इसको मैं डार्कनेस इसके यानी कि एजेस को डार्क करने के लिए इसकी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। ये सब डिविजन है, इससे बेहतर स्मूथली यानी कि आपका वो पिक्सल नहीं फटेंगे। ये रेडियस है इसके आउटर जितना भी आप इसको फैलाना चाहते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको 10 की वैल्यू में रखता हूँ एज इट इज़, ठीक है। मैंने सब डिविजन को चेंज किया, अब मैं रेंडर करता हूँ इसको जी। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारे ये एज लाइंस क्लियर हुई हैं। अभी हमारे सन की लाइट ज़्यादा है, हम इसको सनलाइट को ऑप्शन में आएंगे, इन्वायरमेंट यहाँ आके ये ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सन लगा हुआ है। इंडस्ट्री ये यहाँ से इसको कम करेंगे, इसकी रोशनी को 0.5 पे करते हैं। साइज़ हम सूरज का बढ़ाएंगे तो हमारा शेडो ब्लर आएगा। सब डिवीज़न हम इसकी 32 पे ले जाएंगे ताकि रिजल्ट अच्छा आए। अब हम इसको अब ये जो वैल्यू मैंने इस पर की है बाय डिफ़ॉल्ट में, इसमें भी अप्लाई हो गई है वही, ये देखें 6 और ये सारी 32 जो मैंने ऊपर वाली ऑप्शन में चेंज किया वो नीचे भी अप्लाई होगी। अब हम रेंडर करते हैं इसको, इसके को हमने कम किया है। अब ये देखेंगे इसके नीचे हमने बैकग्राउंड नहीं दिया, हमने इसको बैकग्राउंड देनी है, ठीक है। यहाँ मैं अब आता हूँ, यहाँ से वीरे प्लान लेते हैं, वीरे प्लान की ऑप्शन ये है, ये देखें वीरे प्लान, इसको छोटी सी विंडो हम यहाँ लगा देते हैं और यहाँ अब आके हम इसको ये वाला मटेरियल थोड़ा सा डार्क लगाते हैं। सीन वन में आए, क्रिएट किया हमने। अब ये जहाँ जहाँ ग्रीन एरिया नीचे से नज़र आ रहा है वहाँ हमारा अब ये कलर ग्रे का ग्राउंड में बना होगा। अब हम इसको रेंडर करते हैं
जी अब ये देखिए कि इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई हमारे, अभी भी लाइट अच्छा, ये हमारा अब सन इस वक्त इस साइड से क्रिएट हो रहा है, हम इसके शेडो क्रिएट करेंगे ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट ये आर्ट, ये रेंडर है, स्टार्ट रेंडर है, ये है स्टार्ट आरटी रेंडर, ये आप इसको मैं अभी छोटा यानी कि इसका आउटपुट में आके यहाँ भी इसकी विड्थ और हाइट को कम करूँगा, इसको 400 पे ले जाता हूँ और इसको 300 पे ठीक है। इसका मैंने साइज़ को कम किया, अब मैं इसको आरटी को ऑन करता हूँ, ये आरटी हमारा ऑन हो गया है। अब आप जो जो काम साथ साथ करते जाएंगे, जैसे अब मैं इसको मूव करूँगा, ये देखें आपके सामने ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, साथ साथ मूव हो रहा है ठीक है। हम अपने सीन वन पे आए और अब हमें ऑप्शन में आके यहाँ हम इन्वायरमेंट में आएंगे, इन्वायरमेंट ये इन्वायरमेंट है हमारी, यहाँ सन को हम कम करते हैं, बल्कि इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, हम अभी इस शेडोज़ की तरफ चलते हैं ठीक है। सॉरी इसको अब हम चेंज करते हैं, इस वक्त हमारा शेडो हिल दूसरी डायरेक्शन में चला गया है। अब ये है शेडोज़ ठीक है, ये शेडो भी आपको यहाँ से मिलेंगे विंडो में आके, शेडो ये देखें शेडो नज़र आए, ये शेडो आ गई। अब इसमें यहाँ आके यूज सन शेयरिंग, अब ये देखें मैंने इसको क्लिक किया और इसके शेडो को अब हम ये देखें आपके सामने, मैं इसके शेडो को मूव कर रहा हूँ, या आहिस्ता आहिस्ता सन आपके सामने मूव हो रहा है ठीक है। ये मूवमेंट आप देख रहे हैं हमारे सन की मूवमेंट है ये, अच्छा यहाँ आपने टाइम देना है और ये डेट है ठीक है। ये इसकी लाइटिंग है, ये आप देख रहे हैं लाइटिंग, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा यहाँ आके हम अब टाइम करते हैं 05 ठीक है, यहाँ आके हम इसे पीएम करते हैं ठीक है। ये देखिए अब ऑटोमेटिकली वो अपनी डायरेक्शन में सेट हो गया है, यहाँ डेट और टाइम को हम चेंज करेंगे ठीक है। यहाँ मैं 8 कर देता हूँ और ये देखें इसको 12 पे ले जाते हैं 21, ये आपके सामने। अब ये देखें हमारी जो सेटिंग है सन की वो बेहतर है, और अब हम इस तरह इसको अगर हम इसको नाइट व्यू में यानी कि शाम के टाइम में लेके जाना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ 0.06 करते हैं ठीक है। थोड़ा सा अब ये देखें येलो आ गया येलो, अच्छा इसके बाद हम इन ऑप्शन में जाके इन्वायरमेंट में आके यहाँ ये टर्बिडिटी है इसको हम करते हैं 8 पे ठीक है। अब जैसे मैंने 8 पे किया ये देखें येलो कलर में ये आ गई है, शाम का टाइम ये जाहिर कर रहा है ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन इसकी, ये देखें अब ये इसकी वैल्यू जो है वो अब डे में जा रही है और जो सन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है, ये देखें अब ये सन की डायरेक्शन चेंज हो गई है, सामने की तरफ आ गया है थोड़ा से लाइट। इस तरह आप इसमें मूवमेंट कर सकते हैं अपने मटेरियल की यानी कि इमेज की। हम दोबारा जाते हैं इमेज में, इसमें आके आउटपुट में इसका जो है साइज हम कर देते हैं 10x24x768 ठीक है। ये हमारा ये जो मॉनिटर साइज़ है वो पिक्चर साइज़ वो उसका मैंने इसको पिक्सल साइज़ दिए हैं। अब हम इसको रेंडर करते हैं, अच्छा ये अब डियर स्टूडेंट ये रेंडर हो रहा है। अब यहाँ ये देखें ये है ट्रैक माउस व्हील रेंडरिंग, इसको क्लिक कर दूंगा जहाँ अब मैं यानी कि अपना माउस को लेके जाऊंगा ये वहाँ से रेंडर करेगा ठीक है। जो चीज़ अब अगर फाइल हैवी है आपने सिर्फ इतने हिस्से को देखना है जिसमें आप चेंज कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ठीक है। एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है रेंडर के साथ, इसकी इतनी विंडो ली मैंने ठीक है, इसको मैंने कैंसिल किया, दोबारा मैंने अप्लाई किया रेंडर के लिए, अब ये इतनी विंडो को रेंडर करेगा ठीक है जी। इस तरह यानी कि आप इतने से में कोई इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको देखना चाहते हैं तो ज़्यादा फाइल को रेंडर टाइम बचाने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये था आज का लेसन,
उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरा नाम अरशद है, मेरा मोबाइल नंबर 0332-4250482 है। दोबारा रिपीट, 0332-4250482। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।